कोई ऐसा दिन देखना होगा जिस रोज हम यू टर्न डे मना सकें। कौम जानती है उनके वोट पर डाका डाला गया। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने भैंसे बेचने के अलावा कुछ नहीं किया। हमजा शहबाज का N124 की इंतखाबी मुहिम में निस्बत रोड पर जलसे से खिताब, कहा आप लोगों को कारकुन नहीं खानदान समझता हूँ। नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले 14 अक्टूबर को शाहिद खाकान अब्बासी को कामयाब कराए। लीगी उम्मीदवार शाहिद खाकान अब्बासी की N124 में भरपूर इंतखाबी मुहिम। अकरम रोड पाक नगर में बग्गी पर पहुंचे, कारकुनान की जानिब से पुरतकल्लुफ नाश्ते का एहतमाम। हमारे जो मौजूदा सेहत का निजाम है, हमारा जो स्कूलों का निजाम है, हमारा जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, मिडिल क्लास इससे मुतमईन नहीं है। हमारी जो तमाम तर जदोजहद है वो इस सिस्टम को बदलने के ऊपर है। हमारी सादगी मुहिम पर तनकीद होती है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की 8 भैंसे फरोख्त करके कर्जा खत्म नहीं होगा। साबिक हुकूमत 28,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़कर गई। वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और तकरीब से खिताब, कहा सऊदी अरब को सी पैक में शामिल करने का मकसद सरमायाकारी करवाना है जिससे रोजगार के मौके पैदा होंगे। मुअत्तल ज्वाइंट सेक्रेटरी ज़रार हैदर के खिलाफ तहकीकात जारी है, फवाद चौधरी की तस्दीक। बोलकर आप एक दाव लगा सकते हैं, बार बार दाव नहीं लग सकता। इमरान ने कहा था हमें रुलाएंगे मगर हमें हंसा हंसा कर मार दिया है। N131 से नून लीगी उम्मीदवार ख्वाजा साद रफी का डिफेंस में खिताब, कहा वजीर आजम अपने सियासी मुखालफीन को इंतकाम के शिकंजे में जकड़ना चाहते हैं। अगर वोट चोरी ना किया होता तो मेरे हल्के से गिनती होने दी जाती। ख्वाजा साद रफीक ने कैंची में भी जलसों से खिताब किया। N131 का ज़िमनी इलेक्शन का मार्का, PTI उम्मीदवार हुमायूं अख्तर खान की इंतखाबी मुहिम, आरे बाजार में ताजरों से मुलाकातें, ताजर बिरादरी का भरपूर हिमायत का ऐलान। ख्वाजा साद रफी को धांधली करनी बहुत अच्छी आती है, अब हम रंगे हाथों पकड़ेंगे, अपने वोटर्स को इज्जत देते हैं और आइंदा भी इज्जत देंगे। हुमायूं अख्तर का वॉल्टन रोड पर कॉर्नर मीटिंग से खिताब, जबकि N124 से PTI उम्मीदवार गुलाम मुहीउद्दीन दीवान की गड़ी शाओ में इंतखाबी मुहिम, जलसे के बाद खिलाड़ी खाने पर टूट पड़े। नवाज लीग ने भारी कमीशन के लिए अवामी मुफादात दाव पर लगा दिए। मुल्क में कानून और इंसाफ की हुक्मरानी कायम करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान का PP 158 का दौरा, कारकुनान के घर पर पौधे भी लगाए, कहा सियासी तहरीक में कुर्बानियां देने वाले कारकुनान का भरपूर साथ देंगे। पाकिस्तान के हालात हमने ठीक करने, पाकिस्तान के हालात जरूर आज हम नियत करेंगे कि हम इंशाल्लाह डैम बनाएंगे और मिलजुल के डैम बनाएंगे, तो ये हो ही नहीं सकता कि डैम बनाएंगे। सबको इल्म है इमरान खान ने पैसा खाना है ना कहीं और खर्च करना है। गवाही देती हूं कि डैम बनने समेत लाखों काम होंगे। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का PC होटल में डैम फंड रेजिंग तकरीब से खिताब, कहती हैं कार्य खैर में हिस्सा डालने वालों पर वावेला नहीं करना चाहिए। वजीर खारजा ने जनरल असेंबली से जुरतमंदाना खिताब किया, भारत के जारहाना रवैये से खिते के अमन को खतरा है, अक्वामे मुतहदा को भारत के मुतकबराना रवैये का एहतसाब करना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खयाबान जिनाह में अलखिदमत फाउंडेशन की तकरीब से खिताब, बोले हम पूरी इंसानियत की खिदमत के लिए कमर बस्ता हैं। थाना लियाकतबाद के इलाके में मामूली झगड़े पर फायरिंग, एक शख्स जांबहक दूसरा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मकतूल नुमान की लाश तहवील में लेकर मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। जायदाद के लालच ने भाई का खून सफेद कर दिया। शाह कमाल में मुकीम 6 बहनों पर भाई का हथौड़े से वार, तशद्दुद का निशाना भी बना डाला। तशद्दुद की फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल, मुतासरीन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, थाना वहदत कॉलोनी में मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस भाई नदीम उर्फ लबा के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, मुजाहरीन का इल्जाम। शेराकोट की खातून अतायत की भेंट चढ़ गई। मकबूला बीवी ने चंद रोज कबल अमजद क्लिनिक बकर मंडी से इंजेक्शन लगवाया, कूल्हे पर जख्म बनने के बाद हालत खराब होने पर खातून दम तोड़ गई। शहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियां, नौ जोन्स में आज तजावुजात पर रेड क्रॉस लगाए जाएंगे। 2 अक्टूबर से ऑपरेशन शुरू होगा। पहले रोज दादागंज बख्श, शालामार जोन, सब्जाजार, अनारकली, वेलिंगटन रोड और उर्दू बाजार में ऑपरेशन होगा। मेयर, डेप्टी कमिश्नर और डीजीएलडीए कयादत करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कब्जा माफिया और तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। ऑपरेशन ताकतवर माफिया से बिला इम्तियाज और बिला रियायत शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर शुरू की जाने वाली मुहिम हर सूरत कामयाब होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार का आला सतह इजलास से खिताब। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और जिले इंतजामिया की बीडन रोड पर कार्रवाई, 32 दुकानों से 40 साइन बोर्ड्स उतार लिए, ऑपरेशन जारी। कब्जा ग्रुप मंशा बम ने निकाल दिया करामत खोखर का दम। आपने अदालत में कहा मंशा बम को नहीं जानते, फिर डीआईजी को फोन क्यों किया? चीफ जस्टिस, आप लोग होते कौन हैं पुलिस ऑफिसर्स को फोन करने वाले? आपने नया पाकिस्तान बनाना है या नहीं? अब यहां कानून की हुक्मरानी है चीफ जस्टिस। डीआईजी साहब वजीर आजम या वजीर आला से नहीं डरना, शफाफ इंक्वायरी करनी है चीफ जस्टिस। पीटीआई के दोनों रहनुमाओं ने मुआफी मांग ली, मैं गलती से सुप्रीम कोर्ट आ गया। एमपीए नदीमा बारा की रोते हुए हाथ जोड़कर चीफ जस्टिस से मुआफी, बाहर बदमाशी करते हो, अदालत में रोते हो, चीफ जस्टिस की डांट। एमएनए करामत खोखर को अदालत में झूठ बोलने पर नोटिस जारी। करामत खोखर नदीमा बास बारा को इस्लामाबाद तलब कर लिया। झूठ बोलने वाला सादिक और अमीन नहीं रहते, कल इस्तीफा साथ लेकर आए, सब कुछ मेरी डिवाइस में रिकॉर्ड हो चुका है, चीफ जस्टिस साकिब निसार। मंशा बम गिरफ्तारी केस, चीफ जस्टिस कमरे अदालत में एसपी लीगल को उंगली के इशारे से बुलाने पर सूबाई वजीर मुराद रास पर बरहम। तुम कौन हो? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। मैं मुराद रास हूं, सूबाई वजीर तालीम का जवाब। कौन मुराद रास? चीफ जस्टिस। मैं सूबाई वजीर तालीम हूं, मुराद रास का जवाब। आपकी यहां कोई जरूरत नहीं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान के प्लाजा की बर वक्त तामीर ना होने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने अली इमरान के प्लाजा की तामीर मुकम्मल होने से मुतालिक बयान हल्फी तलब कर लिया। अली इमरान कहाँ है चीफ जस्टिस? अली इमरान लंदन में है, वकील का जवाब। फिर उनके ससुर शहबाज शरीफ को बुला लेते हैं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अली इमरान को कराए की मद में 15 लाख सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में सानेहा मॉडल टाउन से मुतालिक केस की समाअत, चीफ जस्टिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जेर समाअत मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सानेहा मॉडल टाउन केस का ट्रायल मुकम्मल नहीं किया जा रहा, दरखास्त गुजार। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील आई तो देखेंगे चीफ जस्टिस। बाईस पेट्रोल पंप की नीलामी का मामला, कब्जा माफिया की मुदाखलत के 22 पेट्रोल पंप की नीलामी में मुश्किलात हैं। डीजीएलडीए, चीफ जस्टिस का मजाहमत करने वाले पेट्रोल पंप सील करके नीलाम करने का हुक्म। एलडीए की कमर्शलाइजेशन पर पाबंदी आयद, जगह जगह दुकानें और शादी हॉल्स बना दिए गए, आइंदा कोई कमर्शलाइजेशन नहीं होगी, चीफ जस्टिस का डीजीएलडीए को हुक्म। सर्विसेज अस्पताल में लिफ्ट के गैर फाल होने का मामला, एफआईए को 3 रोज में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अगर कंपनी का कसूर हुआ तो एफआईए मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करे चीफ जस्टिस।
लाहौरी हो जाएं होशियार, हेलमेट पाबंदी के बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस की चेकिंग होगी। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की फिटनेस भी चेक करने का फैसला। ओवरहेड ब्रिज या जेब्रा क्रॉसिंग इस्तेमाल ना करने पर जुर्माना होगा। सेफ सिटी अथॉरिटी ने कमर कस ली। मोटरसाइकिल सरकारी बनी प्राइवेट सवारी। कैनाल रोड पर ट्रैफिक पुलिस की हैवी बाइक पर सादा लिबास में मलबूस शख्स के सैर सपाटे। मोटरसाइकिल सवार ने हेलमेट पर पाबंदी की धज्जियां भी उड़ा दी। लाहौर न्यूज ने फुटेज हासिल कर ली। सीटीओ कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक का नोटिस। एसपी ट्रैफिक हेडक्वार्टर से रिपोर्ट तलब कर ली। कानून के मुहाफिज ही कानून शिकन बन गए। हाई कोर्ट के अहकाम नजरअंदाज। मॉल रोड पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार पुलिस एहलकार कानून की धज्जियां और बखेरने लगे। वार्डन्स भी अपने पेटी भाइयों को तहफ्फुज देने लगे। लाहौर न्यूज ने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार की फुटेज हासिल कर ली। लाखों के अंडे सारे के सारे गंदे। फूड अथॉरिटी ने लखोडेर में 7 लाख गंदे अंडे तल्फ कर दिए। डीजी फूड अथॉरिटी का गंदे अंडे फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आज़म। और रेस क्लब में हफ्तावार घुड़ दौड़ के मुकाबले। पहली रेस में एलेक्स नामी घोड़े ने मैदान मार लिया। दूसरी रेस में खानजी, तीसरी में बावफा नामी घोड़ी फाते। चौथी रेस में मॉनसून, पांचवी रेस में ब्लैक सीक्रेट घोड़े का पहला नंबर। 1100 मीटर की आखिरी रेस में बैटल फ्रंट नामी घोड़ी की पहली पोजीशन। आखिरी रेस हारने वाले घुड़सवार आफ्ताब चौधरी की फाते जोकी के साथ तल्ख कलामी।